स्त्री 2 के लास्ट में क्या हुआ? लोग जहां इंडिया में मूवी खत्म होने से पहले ही सिनेमा घर से बाहर भाग जाते हैं, ऐसी फिल्में जो यूनिवर्स से कनेक्ट होती है उसके पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देख पाती। बात की जाए एनिमल की, स्त्री की, तो लोग, मैं देख रहा था कि वो जा रहे थे, पोस्ट क्रेडिट सीन का इंतजार ही नहीं कर रहे थे। जैसे ही डायरेक्टर का नाम आया अमर कौशिक, लोग उठना शुरू हो गए। दिनेश बिजन तक नहीं देखा उन लोगों ने कि वो प्रोड्यूसर हैं मैडोक के। तो वही बात की जाए पोस्ट क्रेडिट सीन, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए स्त्री 3 में सबसे बड़े जो विलन होने वाले हैं वो होने वाले हैं अक्की पाटिल यानी अक्षय कुमार। ये तो कंफर्म था कि मूवी में अक्षय कुमार हैं, लेकिन जब मूवी में उनका कैमियो हुआ तो एज अ पागल उदय वान के परिवार से वो हैं और उदय वान का जो उनमें है वो खून दौड़ रहा है। हालांकि हमें पता चल गया कि वो पागल नहीं है, उन्होंने पागल की एक्टिंग की और ये उनका षड्यंत्र था। स्त्री के बाद सरकटा राक्षस आता और सरकटा राक्षस के मरने के बाद अक्षय कुमार फॉर्म्ड होंगे, जहाँ श्रद्धा कपूर यानी स्त्री ने अपना नाम बता दिया राजकुमार राव को, लेकिन हमें पता नहीं चला, क्या पता वो स्त्री 3 का टाइटल हो। वहीं राजकुमार राव में भी अब शक्ति आ चुकी है और वो भी एक तरह से सुपर हीरो बन चुके हैं। और बात की जाए भेड़िया, तो भी स्त्री 2 के यूनिवर्स में शामिल हो चुके हैं। वरुण धवन की बात की जाए तो उनका भी क्रश अब श्रद्धा कपूर पर आ चुका है और राजकुमार का भी। स्त्री यूनिवर्स दूसरे फिल्म में जाएंगे, भेड़िया या मुंजिया में वो श्रद्धा कपूर जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि जो स्त्री की मेन हीरोइन या हीरो कह लो वो है श्रद्धा कपूर। और वहीं बात की जाए अक्षय कुमार बहुत तगड़े विलन होने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि स्त्री 3 में भी मरेंगे और मैडोक इन्हें बिल्कुल सही से इस्तेमाल करेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब जना तो भेड़िया से कनेक्ट है ही, अब ये क्लियर क्लियर सिग्नल मिलता है कि स्त्री के भी कास्ट भेड़िया 2 में शामिल हो सकते हैं। वहीं स्त्री 3 की तैयारी अभी बहुत लंबी है और दूर है, लेकिन दोस्त ने सस्पेंस किया है कि सरकटा जो स्त्री ने मारा था उसे स्त्री मुक्त हो चुकी है। जी हाँ, स्त्री का अब नामो निशान मिट चुका है, अब श्रद्धा कपूर बची स्त्री की बेटी। मैडोक जो यूनिवर्स हुए कमाल मोड़ पर आ चुका है। आपको पता है जब सिनेमा हॉल में वरुण धवन की एक्टिंग हो रही थी ऐसा भेड़िया, लोग जो ताली बजा रहे थे मूवी में वो एक अलग ही लेवल का था, जैसे कि वरुण धवन ही मेन हीरो हो। नो डाउट वरुण धवन के भेड़िया 2 को स्त्री 2 के बाद बहुत तवज्जो मिलने वाली है, पर अक्षय कुमार का लुक देख के हमें रोबोट 2.0 का याद आ गया। तो मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ, श्रद्धा कपूर कोई जीवित इंसान नहीं है, वो प्रेत आत्मा या छलावा जो भी कह लो वो है, और राजकुमार राव में सुपर हीरो वाली ताकत आ चुकी है जो श्रद्धा कपूर ने दी है, और स्त्री 2 के यूनिवर्स में वरुण धवन भी एंट्री कर चुके हैं और भेड़िया 2 में भी स्त्री का कोई ना कोई कास्ट होने वाला है, ज़्यादा प्रोबेबली श्रद्धा कपूर ही होंगी। वहीं बात की जाए तो मुंजिया भी कहीं ना कहीं जोड़ेंगे ये आपस में, क्योंकि ये मैडोक का यूनिवर्स है और अक्षय कुमार को पावर आ चुकी है जो सरकटा का राख है उसे पीकर, क्योंकि अक्षय कुमार भी उदयवान के खानदान से ही थी और उनके नसों में भी उस राक्षस का खून ही है। उन्होंने पंकज त्रिपाठी को इसलिए वार्निंग की थी कि उनको पता था चंडेली में जब सरकटा मरेगा तो उनमें पावर आ जाएगी सरकटा के राख को पीकर, और अब अक्षय कुमार बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं एज अ विलन, और अब श्रद्धा कपूर हमें स्त्री 3 में दिखाई देगी। अभी तो चंदेली से जा चुकी है और हमारे चंदेली का रक्षक राजकुमार राव चंदेली में ही है, और जना भेड़िया 2 से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होंगे और अब उनमें एक दिव्य दृष्टि आ चुकी है कि वो अब कुछ भी देख सकते हैं जो हो रहा है आंख बंद करते ही। तो ऐसे ही फिल्मों से जुड़ी और अपडेट्स के लिए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब।